ये मेरा भाई, ये मेरा सुख दुख का साथी, इसे बोलने की बात है, वो सुख से ज़्यादा तो मुझे दुख ही देता है। जो इसके हाथ में है वो 20 किलो डॉग फूड है, जो मेरे हाथ में राशन है जिसमें चावल, हल्दी, दाल, शक्कर, तेल, ये सब सारी चीज़ें हैं। मैं थोड़ा रुक गई है देखने के लिए कि मेरा भाई 20 किलो उठाते हुए आ रहा है, तो गिरेगा तो मुझे चिढ़ाने में मज़ा आएगा, पर मैं खुद 15 किलो नहीं उठा पाई। मेरा भाई मुझे ढूंढते हुए आया कि बहन रह किधर गई है, ये मत सोचो कि उसको मेरी परवाह है। वो हमेशा से ये बोलता है कि बहन तुझे कुछ हो जाएगा तो मैं किसको परेशान करूँगा। और ये जो फीलिंग है वो कुछ बहन लोग ही रिलेट कर सकते हैं जिनको भाई लोग बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। और जैसे कि मैंने बताया था, मैं भी स्लम में रहती हूँ जहाँ रोड थोड़ा दूर होता है घर से, इसलिए हम सब सामान कैरी करते हुए रोड पे जा रहे हैं। और ये जो सब सामान है एक लेडी ने डोनेट किया है वंडरफुल दादी के लिए, और उनका नाम और आईडी में मेंशन नहीं कर सकती प्राइवेसी रीज़न की वजह से। और उनसे मिलने का फिर से हमें मौका मिल गया वंडरफुल दादी से। हम पूरा लोड करते हुए एम्बुलेंस स्कूटी पे और हम निकल पड़ते हैं दादी से मिलने के लिए। और जो मैंने प्रीवियस वीडियो वंडरफुल दादी का पोस्ट किया था, वहाँ सब लोग उनका एड्रेस मांग रहे, तो मैं बता दूँ वंडरफुल दादी भी स्लम में रहते हैं, उन जहाँ बहुत सारे घर साथ में होते हैं, तो एक पर्टिकुलर घर का हाउस नंबर नहीं होता है और एक पर्टिकुलर घर फाइंड आउट करने में बहुत डिफ़िकल्टी आती है। इसलिए हम इंटरमीडिएट जैसा हेल्प कर सकते हैं आपका। आपको अगर मिलना है उनसे तो आप हमसे मिल सकते हैं, मैं उनका आपको घर बता दूँगी। और उनको फ़ोन यूज़ करने का इतना नॉलेज नहीं है, इसलिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। और ये जो आप देख रहे वही सब स्लम है जहाँ बहुत सारे घर साथ में होते हैं, इसलिए डिफ़िकल्टी हो जाता है फाइंड आउट करना। और हम फाइनली दादी के लोकेशन पे पहुँच गए और दादी घर पे ही थी, बहुत सारे मतलब उनके बच्चे लोग के साथ में। मेरा भाई सब सामान रख देता है उनके घर पे, और मुझे बहुत अच्छा लगा उनसे मिल के। और बहुत सारे बच्चे डॉग्स है ना उनके घर में ही थे, इतना अच्छा लगा, बहुत क्यूट क्यूट डॉग्स थे। बहुत बीमार है लल्ले, ये ना ये ऐसे ही मिल गया कि किसी ने छोड़ा था, वो लेके आई इतना बड़ा हो गया। ये भी कचरे के डब्बे में किसी ने डाला था प्रेमनगर में, ये देखो इसको कचरे के डब्बे में डाला था किसी ने कई लिए वाली। मैं आपको समझा देती हूँ क्या क्या है। हाँ आंटी, अरे चल, ये आपके लिए ये वाला पार्ट, और ये ना पूरा कुत्ते का खाना है। हाँ, हाँ, पूरा कुत्ते का है। हाँ, हाँ, उसमें ना वो ड्राई फ्रूट पता है ना आप देते रहोगे ऐसे ही दे देगा। ये नहीं, एक दिन नहीं भी बनाओगे ना खाना, बिस्किट टाइप जैसा, बिस्किट जैसी सिर्फ ये डाल देने का और कुछ नहीं डालने का। हम लोग ऐसा का हम लोग है ना बहुत यही डालते हैं। देखो कुत्ते का खाना है, हम लोग यही डालते हैं इसमें, वो ड्राई फ्रूट है, दाना। तुमने दिया वो सब खास खत्म हो नहीं पाया ही। वो खाते ही तेल है, नहीं, हम लोग महाराष्ट्र ही ना बेटा, राई तेल ही खाते है? नहीं बेटा, ये ना सच्ची तू वापस करेगा तो अच्छी बात है, क्योंकि ना हम लोग ये सिंग तेल बोलता है ना, सिंग तेल। हाँ सिंग तेल, नहीं तो कौन सा भी दूसरा सब रोटी बनाते हो ना, रोटी बनाते बनाते तो ये ना राई तेल नहीं, महाराष्ट्र ही ना हम लोग राई तेल, राई तेल नहीं खाते। नहीं, वो राई तेल है, वो देखो ना दिखा है, वो अभी दुकान में से लेके आए। आपकी बहन लोग कोई नहीं खाएंगे, बच्चे लोग? नहीं, हम लोग को तो बिल्कुल खाते ही नहीं, सच्ची बोली तो बेटा, फुकट में वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं वो लेके जाती हूँ बेटा। ये आटा है ना, ये आटा है, आटा खाते ना, आटा खाते, रोटी बनाते ना, ये पोहा खाते है ना, पोहा खाती है। नहीं तो कोई बहन सब लोग नहीं खाते, महाराष्ट्र में नहीं खाते। नहीं, हम लोग नहीं, रायता ही नहीं, रायता नहीं। तो हाँ ये देखो, दो पोहा का, हाँ ठीक है ना बेटा, गर्मी लगती है ना। नहीं चलता है, हम लोग का आदत है, हम लोग साबुन इतना साबुन है। हाँ बहुत सारा सामान, ये सब आपके लिए, हल्दी है और ये शक्कर है, देखो बिल्ली भी आपके पास है, सब कुछ है मेरे बेटा, मेरे पास दाल है, ये दाल खाते है ना। हाँ, मसूर का दाल खाते है, वो तो मेरे काम का ही। और ये वाला दाल, ये भी दाल है, ये खाती मूंग का दाल, ये खाती। देखो ये चाय पत्ती, चाय पीने वाली है, तो चाहिए। चाय चाय नहीं पिएगा तो सब दुखता है, वो तेल मेरे से ना गिर गया, देखो नीचे इधर, ये देखो ऐसे उठा के लाई ना तो मेरे से वजन नहीं हो रहा था उठना, 20 किलो है ना तो वजन नहीं हो रहा था, ये हल्दी तो वही वजन नहीं हो रहा था, तो मैं बोली चलो ठीक है, ये
ये भी डाल है, ये तूर डाल है और चावल है। ये भी डाल, ये भी डाल, ये भी डाल, ये भी डाल, ये भी डाल। धन्यवाद, नमस्ते। वही वही बोल रहे थे कि वो एक ही चीज, वो तेल रिटर्न हो रहा है, तेल ले लू ना तब, क्योंकि वो बोल रहे हैं मैं नहीं खाऊंगी, वो वेस्ट हो जाएगा। हाँ, क्योंकि हम लोग महाराष्ट्र है ना। मेरा भाई भी एनिमल लवर है, इसलिए उसको एनिमल लवर लोगों से बात करना बहुत पसंद है। चेस वाला ना, चेस सेना भी तुमने, अरे वाह अरे वाह वाह, आंटी अच्छी है, आंटी है। अरे मुझे बहुत अच्छा लगा। दादी का आशीर्वाद लेके हम निकल पड़ते अपने घर के लिए, और जैसे ही निकलते वैसे देखते हैं कि मेरा भाई का जो सैंडल है वो डॉग ने काट लिया। और आप देख ही सकते हैं इतने छोटे से घर में दादी बहुत सारे डॉग का केयर करती है, जितना उनसे हो सकता है उतना, और उनको फ़ोन का नॉलेज इतना नहीं था, इसलिए मैंने पेपर पे नंबर अपना लिख के दे दिया कि इमरजेंसी में क्या कुछ भी प्रॉब्लम रहेगा तो मुझे कॉल कर पाएंगे। और मैंने सिर्फ तेल ही उनसे लिया, वो भी उनके परमिशन से। अगर मेरा काम आप लोग को पसंद आएगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल को। थैंक यू।